इस वीडियो में हम देखेंगे कि नॉर्मल फोटो से उसका कैरिकेचर कैसे बनाते हैं। हाय, मैं हूं जिग्नेश वाटलिया और CGI पोपट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में दिखाई गई टेक्निक से आप भी अपना खुद का कैरिकेचर बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक फ़ोटोग्राफ लिया हुआ है जिसको हम पहले बैकग्राउंड से कट करके अलग करेंगे और उसके लिए हम पेन टूल का यूज़ करेंगे। तो ये मैंने पेन टूल सिलेक्ट किया टूल पैनल से। पेन टूल का कीबोर्ड शॉर्टकट है P और हम पेन टूल से अब सिलेक्शन के लिए पार्ट ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ मैंने कटिंग की प्रोसेस को फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है। अभी ये इमेज में बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है और अभी हम एक न्यू लेयर लेके टेम्पररी कोई भी फ्लैट कलर फिल करेंगे बैकग्राउंड में, फिर लास्ट में हम कोई अच्छा सा बैकग्राउंड ऐड करेंगे। तो अभी हम कैरिकेचर बनाने की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम इमेज के हेड वाले पार्ट को बॉडी से अलग करेंगे और उसके लिए हम पेन टूल का यूज़ करेंगे हेड का पार्ट सिलेक्ट करके कट करने के लिए। अभी ये सिलेक्शन हो चुका है। हेड को अलग लेयर में लेने के लिए हम जाएंगे मेनू बार में, लेयर मेनू में। उसमें सबसे पहला ऑप्शन है न्यू और उसमें सबसे लास्ट ऑप्शन है लेयर वाया कट, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट है Shift+Ctrl+J। वो सिलेक्ट करेंगे और आप देख सकते हैं स्क्रीन के राइट साइड लेयर पैनल में इमेज का हेड एंड बॉडी पार्ट दोनों अलग लेयर में हो चुका है। ताकि हम हेड और बॉडी दोनों पे अलग अलग प्रोसेस कर सके उसका कैरिकेचर बनाने के लिए। तो अभी हम इस इमेज को कैरिकेचर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले उसके हेड वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे और फिर Ctrl+T प्रेस करके फ्री ट्रांसफॉर्म से हम हेड की साइज़ को उसकी एक्चुअल साइज से काफ़ी बड़ा करेंगे। उसके बाद हम फेस वाले लेयर का फ्री ट्रांसफॉर्म ऑन रख के ऊपर वॉर्प का ऑप्शन है उसको ऑन करेंगे, ताकि हम फेस को हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कहीं से भी स्ट्रेच कर सके। ये जो हेड का स्केल बढ़ाना है और वॉर्प टूल से फेस को स्ट्रेच करना है, वो जो साइज़ मैंने सेट की है वही साइज़ आपको भी रखना ज़रूरी नहीं है। आप जो भी इमेज का कैरिकेचर बना रहे हो वो इमेज के हिसाब से आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हेड को स्केल अप एंड वॉर्प से स्ट्रेच कर सकते हैं। अभी हम इसको डन कर देंगे। अभी हमें इस फेस को थोड़ा ज़्यादा एग्जैजरेट करने के लिए और थोड़ा और फनी दिखाने के लिए फेस के फीचर्स जैसे कि आईज, नोज, लिप्स एंड फेस का चिन वाला पार्ट, ये सब फीचर्स को थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए हम जाएंगे मेनू बार में, फिल्टर मेनू में। लिक्विफाई नाम से एक फ़िल्टर है जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट है Shift+Ctrl+X। उस पर क्लिक करेंगे और उसकी एक पूरी पैनल खुलेगी जिसमें लिक्विफाई करने के लिए काफ़ी सारे अलग अलग ऑप्शंस है इमेज को लिक्विफाई करने के लिए। मेनली ये लिक्विफाई फ़िल्टर का यूज़ किसी भी इमेज को, किसी भी पार्ट को डिस्टॉर्ट करने के लिए होता है। इसका यूज़ करके हम इमेज के किसी भी पार्ट को पुल, पुश, रोटेट या रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो लिक्विफाई एक ऐसा पावरफुल फिल्टर है जिससे हम इमेज को रिटचिंग कर सकते हैं और एक आर्टिस्टिक इफेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम लिक्विफाई करना स्टार्ट करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी हम इस फेस को एक कैरिकेचर टाइप फेस लुक दे सके। तो सबसे पहले इसमें लेफ्ट साइड ऊपर कॉर्नर में सब अलग अलग टूल्स है इमेज को लिक्विफाई करने के लिए। इसमें हम सबसे ऊपर वाला फॉरवर्ड वॉर्प टूल यूज़ करेंगे जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट है W। इस टूल से हम इमेज के किसी भी पार्ट को पुश या पुल कर सकते हैं। तो इसकी मदद से हम फेस के जो जो पार्ट को चेंज करना चाहते हैं उसको चेंज कर सकते हैं। अभी हम यहाँ एक और टूल का इस्तेमाल करेंगे। टूल पैनल में नीचे से थर्ड नंबर पे है जिसमें एक ह्यूमन फेस जैसा आइकॉन बना हुआ है। इस टूल का नाम है फेस टूल और इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है A। ये टूल स्पेशली ह्यूमन फेस को चेंज करने के लिए है। ये टूल सिलेक्ट करते ही हमारे फेस के सारे फीचर्स जैसे कि आईज, नोज, लिप्स और बाकी सब फीचर्स को ऑटोमेटिक ट्रैक कर लेता है। और फिर इसमें हम राइट साइड प्रॉपर्टीज पैनल में इन सब फीचर्स को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं।
इसमें आइस में लेफ्ट और राइट साइड को अलग अलग चेंज कर सके इसलिए अलग अलग पैरामीटर्स दिए हुए हैं, बट हमें दोनों साइड सेम इफेक्ट चाहिए इसलिए हम ये दोनों पैनल के बीच में जो लिंक करने का आइकॉन है उसको ऑन कर देंगे और फिर हम आइस की साइज, हाइट, वेट्स और टिल्ट अलग अलग वैल्यू सेट करके आइस को लिक्विफाई करेंगे। अभी इस इमेज में इस फेस के हिसाब से जो भी वैल्यूज दे रहा हूँ फेस के सभी फीचर्स में वो एग्जैक्ट वैल्यू आपको देना ज़रूरी नहीं है जब आप किसी अलग इमेज पे ये फिल्टर ट्राई कर रहे हो। आप जो भी इमेज यूज़ कर रहे हो उसके हिसाब से और अपनी खुद की साइंस के हिसाब से कोई भी अलग अलग वैल्यू सेट कर सकते हो। अभी मैंने फेस के ऑलमोस्ट सभी फीचर्स को मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया है। अभी प्रॉपर्टीज पैनल में सबसे नीचे एक ऑप्शन है शो बैकड्रॉप, उसको ऑन करके हम देख सकते हैं कि हमने ओरिजिनल इमेज में कितना चेंज किया है। इसमें ओरिजिनल इमेज हमारी चेंज की हुई इमेज के पीछे लो ओपेसिटी में दिखेगी ताकि हम देख सकें कि कितना डिफरेंस आया है इमेज को पूरा लिक्विफाई करने के बाद। अब सारे फीचर्स चेंज करने के बाद इन सब चेंजेस को सेव करने के लिए हम नीचे दिए हुए ओके बटन पर क्लिक करेंगे। अभी आप देख सकते हैं लिक्विफाई करने के बाद इस फेस में कितना चेंज आ चुका है। हमने सिंपल से फेस को काफ़ी फनी टाइप लुक दे दिया है। अभी इसमें बॉडी वाले पार्ट को थोड़ा चेंज करेंगे। इसके लिए पहले तो बॉडी वाला लेयर सिलेक्ट करके कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, फिर फ्री ट्रांसफॉर्म ऑन करके बॉडी वाले पार्ट का थोड़ा सा शेप चेंज करेंगे और उसको थोड़ा छोटा दिखाने का ट्राई करेंगे। अभी आप देख सकते हैं हमारा कैरिकेचर रेडी है, पर अभी भी ये एक ओरिजिनल फोटोग्राफ जैसा दिख रहा है। इसको और कार्टूनिस्ट और आर्टिस्टिक लुक देने के लिए हमें इस पर थोड़ी और प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो चलिए अभी इस इमेज को एकदम कार्टून जैसा लुक देते हैं। सबसे पहले अभी हम हेड एंड बॉडी दोनों लेयर्स को एक सिंगल लेयर में मर्ज करेंगे। इसके लिए दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके उन पर राइट क्लिक करके मर्ज लेयर्स पे क्लिक करेंगे और उसके बाद इस लेयर की कॉपी लेके उसको हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। अब हम फिर से जाएंगे फिल्टर मेनू में, सबसे लास्ट ऑप्शन है अदर और उसमें हाई पास वाले फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो हाई पास की एक अलग पैनल खुलेगी आपकी स्क्रीन पे जिसमें हम हाई पास का रेडियस सेट कर सकते हैं। मैं उसकी वैल्यू सेट कर रहा हूँ 8, पर आप ये वैल्यू भी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ अलग भी रख सकते हैं। और अभी क्लिक करेंगे ओके बटन पे ताकि ये इफेक्ट हम लेयर पे अप्लाई कर पाए। अभी हम इस हाई पास वाले लेयर का ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे ओवरले। अभी आप देख सकते हैं कि ये इमेज की डिटेल काफ़ी क्रिस्प एंड शार्प हो चुकी है। अभी इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके मैं उनकी कॉपी ले रहा हूँ और फिर दोनों को एक सिंगल लेयर में मर्ज कर देता हूँ और इस लेयर का ट्रांसपेरेंसी लॉक ऑन कर देता हूँ ताकि इस लेयर पे हम जो भी प्रोसेस करें उसका ट्रांसपेरेंसी वाले पार्ट पे कोई इफेक्ट ना हो। अभी हमारा अगला स्टेप जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है इस इमेज को कार्टूनिश और आर्टिस्टिक लुक देने के लिए, इसके लिए हम स्मज टूल का यूज़ करेंगे। जो टूल पैनल में एक फिंगर वाले हैंड जैसा आइकॉन बना हुआ है वो स्मज टूल है, इस पर हम क्लिक करेंगे। स्मज टूल से हम इमेज के किसी भी पार्ट में कलर को ब्लेंड एंड मिक्स कर सकते हैं। इधर हम स्मजिंग के लिए एक एक्सटर्नल स्मज ब्रश यूज़ करेंगे जो फोटोशॉप के डिफ़ॉल्ट ब्रश प्रीसेट में नहीं होता है। मैं जो ब्रश यूज़ कर रहा हूँ स्मजिंग के लिए उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप वो ब्रश डाउनलोड कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाता हूँ कि कैसे स्मज करना है इस इमेज को। अभी के लिए स्मज ब्रश की स्ट्रेंथ मैंने 40% रखी हुई है जो आप अपने हिसाब से कभी भी चेंज कर सकते हो। ये हमने फेस की स्किन को स्मज कर दी है और उसको फाइनल टचअप हम लास्ट में देंगे। उससे पहले मैं आपको हेयर स्मज करके दिखा देता हूँ। हेयर स्मज करने के लिए मैंने एक एक्सटर्नल ब्रश प्रीसेट यूज़ किया हुआ है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी मैं हेयर स्मज करके दिखाता हूँ आपको, तो आप ध्यान से देखते जाइए पूरा प्रोसेस।
हेयर को सिर्फ स्मर्च करने से ही हमको जैसा चाहिए वैसा आउटपुट नहीं मिलेगा। स्मर्च के साथ साथ हमें ब्रश टूल से भी कुछ स्ट्रोक्स मारने पड़ेंगे हेयर को और अच्छा दिखाने के लिए। ब्रश टूल में भी मैं वही ब्रश प्रीसेट का यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने स्मजिंग के लिए यूज़ किया था। अब हेयर वाला पार्ट हमारा ख़त्म हो चुका है। अभी हम कुछ डिटेलिंग फेस में करेंगे ताकि फेस को हम और भी बेटर दिखा सके। तो ये फेस वाला पार्ट एकदम रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि कितना चेंज आ गया है इस पे जो हमने स्मजिंग की प्रोसेस की है उसके बाद। अभी हम थोड़ा बहुत इसके बॉडी पार्ट में कलर करेक्शन करेंगे। उसके लिए मैं बॉडी पार्ट को पेन टूल से पार्ट ड्रॉ करके सिलेक्ट कर रहा हूँ। पूरा पार्ट ड्रॉ होने के बाद कंट्रोल एंटर प्रेस करके आप पार्ट को सिलेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बॉडी का सिलेक्शन होने के बाद उसका कलर एडजस्ट करने के लिए हम जाएंगे मेनू बार में, इमेज मेनू में एडजस्टमेंट्स में जाके कर्व्स सिलेक्ट करेंगे जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल एम। अभी इमेज का कलर एडजस्ट करने के लिए हमारी स्क्रीन पे कर्व्स का पॉपअप आ गया है। इसमें हम कर्व्स को एडजस्ट करके बॉडी पार्ट को थोड़ा और सैचुरेटेड एंड ब्राइटन करेंगे और इसके हैंड वाले पार्ट को भी थोड़ा सा स्मच करके टचअप कर लेते हैं। अभी आप क्लियरली देख सकते हैं कि कैसा कार्टूनिस्ट एंड आर्टिस्टिक लुक आ चुका है इस इमेज में। अभी हम इस इमेज का बैकग्राउंड चेंज करेंगे। मैंने ऑलरेडी एक बैकग्राउंड बना के रखा हुआ है जो हम इस इमेज के पीछे प्लेस करेंगे और ये आप देख सकते हैं
हमारा फाइनल आउटपुट। इसमें हमने एक नॉर्मल फेस से एक कार्टूनिश एंड आर्टिस्टिक लुक वाला कैरिकेचर कैसे क्रिएट किया आप देख चुके हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।